शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अपने पाठ एक दिन की बादशाहत के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर बातचीत करेंगे। पाठ को हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, बड़ा ही मज़ेदार सा पाठ है और जिसमें दो बच्चे आरिफ और सलीम एक दिन के लिए बादशाह बन जाते हैं और वो सारे काम करते हैं जो घर के बड़े करते हैं और घर के बड़े एक दिन के लिए बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और किस किस तरीके से आरिफ और सलीम अपनी बादशाहत दिखाते हैं, अपना हुक्म चलाते हैं और घर के सभी सदस्य उनकी बादशाहत को आनंद के साथ देखते हैं और साथ में खुश भी होते हैं। और पाठ में सबसे अंत में सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी, यानी कि आपा के स्वभाव में भी थोड़ा सा बदलाव आ गया था। आपा हमेशा आरिफ और सलीम को डांटती रहती थी और तरमाल हमेशा अपने लिए रख लेती थी, लेकिन आपा भी उनके व्यवहार को देखकर और उनकी बातों को समझकर मान जाती है। और साथ में अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि खाने के साथ बच्चों के लिए एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। और साथ में अब्बा जान क्या कहते हैं सलीम से, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। यानी कि बच्चों ने जब एक दिन के लिए बादशाह बनकर बड़ों को समझाने की कोशिश की कि बार बार टोकने से किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो सभी के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ गया और यही हमारा पाठ था। आइए पाठ की समाप्ति पर अब हम देखते हैं कौन कौन से अभ्यास के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। पाठ समझने के बाद, अच्छे से जानने के बाद प्रश्नों के उत्तर देना हमारे लिए बड़ा ही आसान है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहानी की बात। तो कहानी की बात से आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। अब अब्बा जान मान जाते हैं कि आरिफ और सलीम को एक दिन के लिए बादशाह बना दिया जाए, तो अब्बा ने मन में क्या सोचा होगा? आपको बताना है कि अब्बा ने मन में क्या सोचा होगा और क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। अब्बा ने मन ही मन सोचा होगा, हमेशा तो हम बच्चों को रोकते टोकते रहते हैं, अपना हुक्म चलाते रहते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए बच्चे भी खुश हो जाएंगे और साथ में एक दिन की बादशाहत अगर उनको दे दी जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो बच्चों की खुशी के लिए अब्बा जान मान गए होंगे। या फिर आपके मन में कोई नया विचार है तो उससे संबंधित भी आप उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको खुद से सोच कर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिले थे, यानी कि एक दिन के लिए सभी बड़ों के अधिकार बच्चों को मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद जब पूरा दिन बीत गया, इन्होंने क्या सोचा होगा, आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने क्या सोचा होगा और दादी ने क्या सोचा होगा? तो जब पूरा दिन बीत गया होगा तो आरिफ ने सोचा होगा, कितना अच्छा दिन था, आज तो किसी ने हमें रोका टोका नहीं बल्कि हम ही सभी को रोक टोक रहे थे। कितना अच्छा लगता है जब हम बड़े बन जाते हैं और कोई हमें नहीं डांटता। काश ऐसे दिन हर रोज़ मेरे पास आते रहें, हर रोज़ ही मैं बड़ों की तरह व्यवहार करूं और कोई मुझे रोके ना टोके ना। तो आरिफ ऐसा सोच सकता है। आपके मन में क्या विचार है, आपको अपने विचारों के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर देना है। और अम्मा ने क्या सोचा होगा, अम्मा भी सोच रही होगी कि रोज़ रोज़ अपनी पसंद का खाना बच्चों को खिलाना सही नहीं है, बच्चे भी ऊब जाते होंगे। अम्मी भी बच्चों के व्यवहार को देखकर बहुत खुश हुई होगी कि चलो एक दिन के लिए बच्चे बहुत खुश हो गए हैं। दादी ने क्या सोचा होगा, दादी ने सोचा होगा, सारा दिन तो मैं डांटती रहती थी बच्चों को, बच्चों को सच में कितना बुरा लगता था, आज मैंने जाना जब बच्चे मुझे डांट रहे थे तो दादी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और मन ही मन सोचा होगा कि आगे से मैं बच्चों पर इतनी सख्ती नहीं करूंगी, घर में उनको गाना गाने के लिए खेलने के लिए ज़्यादा रोकूंगी टोकूंगी नहीं। तो इस तरीके से तीनों ही दिन की समाप्ति पर इस तरह की बातें सोच रहे होंगे। बाकी आपने खुद से अपने मन से सोचकर इसका उत्तर लिखना है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हारी बात। अब तुम्हारी बात यानी कि आपकी बात तो आप ही जानते हैं, आप क्या सोचते हैं। तो तुम्हारी बात से हमारा पहला प्रश्न है,
अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो तुम क्या क्या करोगी? तो अब हम पाठ की बात नहीं कर रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं। अगर आप भी आरिफ और सलीम की तरह से एक दिन के लिए राजा बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं, तो क्या क्या करना चाहोगे? आपके मन में अनेक सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में आप सोचते होंगे कि काश हम भी बड़े होते तो हम ऐसा करते। तो वो सारी बातें आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। आप सोच सकते हैं, अगर एक दिन के लिए मुझे सारे अधिकार मिल जाएं, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी मर्जी से लेट तक सो सकती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकती हूँ, अपनी मर्जी से पूरा दिन खेल सकती हूँ, पूरा दिन टीवी देख सकती हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। इस तरीके से पूरा दिन मैं चॉकलेट खा सकती हूँ, जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें हैं, जो आप बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और बीच बीच में मम्मी पापा टोकते रहते हैं क्योंकि वो आपका ध्यान रखते हैं। आप वो सारे काम कर सकते हैं जो मन ही मन आप सोचते हैं कि हाँ, ऐसा अगर हम बड़े होते तो ज़रूर करते। तो ये सारी बातें आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत के कर लेने चाहिए थे, और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? कहानी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा आरिफ और सलीम देर तक सोते थे और अम्मी उनको डांट लगाती है, आरिफ सलीम चलो जल्दी सो जाओ, चलो जल्दी उठ जाओ। तो उनको जल्दी सोने के लिए और अगर जल्दी उठने के लिए बोला जाता है तो इसके लिए उनको शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर आरिफ और सलीम को जल्दी सोने के लिए और जल्दी उठने के लिए बोला जाता है तो इस बात के लिए उनको शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो उनकी भलाई के लिए ही बोला जाता है। साथ में अगर अम्मी कहती है कि रोज़ मिर्चों के सालन से खाना खाना है, तो इस बात के लिए वो मना कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही तरह का खाना खाने से हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो इसके लिए वो मना कर सकते हैं। अगर आपा और भाईजान बार बार उनको टोकते हैं, रोकते हैं, तो इसके लिए भी वो बीच में मना कर सकते हैं। अगर दादी जान उनको बात करने से या खेलने से घर में मना करती है, तो बीच बीच में वो ये भी कर सकते हैं कि कभी कभी तो दादी खेल लेने दिया करो। तो इस तरीके से कुछ बातों को उनको मान लेना चाहिए था और कुछ बातों के लिए मना कर देना चाहिए था। बाकी आप सोचकर अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि तुम्हारे विचार से, अब ये आपके विचार से सवाल पूछा गया है, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ कि किस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को भी आप यहाँ पर हल कर लेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तरकीब, अब तरकीब का अर्थ होता है योजना, प्लानिंग भी आप कह सकते हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। दोनों कौन? आरिफ और सलीम। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? तो आपने अपने मन से कल्पना करके सोचना है कि कौन कौन सी और नई तरकीबें उनके मन में आती होंगी। हो सकता है वो सोचते होंगे कि काश हमारे पास एक जादू की छड़ी आ जाए, और जादू की छड़ी घुमाएं और अपनी मर्जी से हम कुछ भी खा पाएं, अपनी मर्जी से हम कहीं भी घूमने जाएं, या जादू की छड़ी घुमाएं और सारे बड़े हमारे अनुसार काम करना शुरू कर दें। या फिर वो सोच सकते हैं कि चलो एक दिन बैठकर आराम से अपने घर के सभी सदस्यों को समझाएंगे कि वो हमारे साथ इतनी सख्ती ना करें, ज़्यादा रोके टोके नहीं, हर काम के लिए बीच बीच में हमें मना ना करें। तो इस तरीके की योजना वो सोच सकते हैं। और एक दिन का बादशाह बनने की बात तो कहानी में हमने पढ़ी है कि वो योजना बनाते हैं कि क्यों ना एक दिन के लिए हमें बादशाह बना दिया जाए, जो कि उनकी बात को मान लिया भी गया था कहानी में। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? तो ये तो कहानी से ही पूछा गया है, एक दिन का बादशाह बनने की तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। एक दिन के लिए उनको बड़ों के अधिकार मिल जाते हैं और वो अपने मन की हर इच्छा को पूरी कर लेते हैं। क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो? क्या आप बता सकते हो आरिफ और सलीम इससे अच्छा भी सोच सकते थे? तो सोचो सोचो, इससे अच्छा और क्या हो सकता था? अभी अभी पहले प्रश्न के उत्तर में हमने सोचा था ना, वो भी आप लिख सकते हैं कि वो सारे मिलकर सभी को समझा सकते थे और अपने मन की बातों को बता सकते थे कि बार बार रोकने टोकने से और बार बार एक जैसा खाना खाने से उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी उनकी मर्जी से भी काम कर लेने देना चाहिए।
या फिर वो क्या कर सकते थे, जादू की छड़ी वाली तरकीब भी सोच सकते थे। अचानक से कोई जादू होता और उनकी बातें उनके हिसाब से पूरी हो जाती। तो जो भी आपको तरकीब अच्छी लगती है, जो भी तरकीब आपके मन में है, कोई नई तरकीब है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बड़े ही आसान से प्रश्न है और साथ में मज़ेदार हैं। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना सोचते हैं, कितनी अच्छी कल्पना करते हैं। क्योंकि जितना अच्छा आप सोचेंगे, कल्पना करेंगे, उतना ही अच्छा आपका प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। और ये सभी प्रश्न आप बच्चों के सोचने के लिए होते हैं, हम तो आपकी मदद करने के लिए हैं। तो आप सभी को अपने मन से सोच कर इनके उत्तर लिखने चाहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अधिकारों की बात में आपसे पूछा गया है, आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। किनके? बड़े लोगों के। क्यों छीने जा चुके हैं? क्योंकि आरिफ और सलीम एक दिन के बादशाह बन गए हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। अम्मी खानसामा को बताती है ये खाना बनाना है, लेकिन अब आरिफ और सलीम खानसामा को आदेश देते हैं, हुक्म देते हैं कि आपको ये खाना बनाना है। अम्मी हमेशा कहती है कि ये खाना बच्चे खाएंगे, ये खाना बड़े खाएंगे। अब आरिफ और सलीम हर सदस्य को कहते हैं कि ये खाना हम खाएंगे और बाकी का जो बचा हुआ खाना है वो बाकी के सदस्य खाएंगे। तो अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए हैं? आरिफ और सलीम ने। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? नहीं, उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे। वो अम्मी से प्यार से बात भी कर सकते थे और बात करने से वो बता सकते थे कि अम्मी कभी कभी हमें अपने मन से भी काम करने दिया करो, अपनी मनपसंद का भी खाना खाने दिया करो। तो हो सकता है अम्मी उनकी बात मान लेती। तो ज़रूरी नहीं अम्मी के अधिकार छीन कर ही उनको समझाया जाए, उनको प्यार से भी समझाया जा सकता था। उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? तो अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? अम्मी देर तक सोती है तो अब वो देर तक नहीं सो सकती क्योंकि आरिफ और सलीम उनको उठा देते हैं बीच में। अम्मी अपनी पसंद से खाना बनाती है, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है। अम्मी हर किसी घर के सदस्य से अपने काम करवाती है, वो अधिकार भी छीन लिए हैं। तो ये सारे अधिकार अम्मी से छीन लिए गए हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है बादशाहत। अब ये बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। और याद कीजिए जो हमारी हिंदी की कार्य पत्रिकाएँ आती हैं उसमें भी यही सवाल पूछा गया था, बादशाहत क्या होती है। जो बादशाह होता है या राजा होता है उसके पास कुछ अधिकार होते हैं और वो अधिकारों का प्रयोग करके हुक्म चलाता है, अपने अनुसार कार्य करवाता है, अपनी प्रजा को दंड भी दे सकता है, अपनी प्रजा को पुरस्कार भी दे सकता है। तो इस तरीके से जो राजा के पास अधिकार होते हैं वही उसकी क्या होती है, बादशाहत। राजा के पास अपना खजाना होता है, राजा के पास अपनी सेना होती है, राजा के पास अपना महल होता है और बहुत सारे अधिकार राजा के पास होते हैं जिसके आधार पर वो अपनी प्रजा के ऊपर हुकूमत चलाता है, बादशाहत दिखाता है। तो इस तरीके से बादशाहत क्या होती है इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। शीर्षक क्या होता है? नाम। जैसे कि हमारी कहानी का नाम है एक दिन की बादशाहत, तो आप बताइए ये नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जैसे ही हमने कहानी पढ़ी तो एक दिन के लिए आरिफ और सलीम क्या बन जाते हैं, बादशाह। तो उसी के आधार पर कहानी का नाम क्या रख दिया गया, एक दिन की बादशाहत। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसका कोई नया नाम बताओ, शीर्षक क्या होता है, कहानी का नाम जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, शीर्षक कहते हैं। तो अगर कोई नया नाम देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं, सोचो सोचो क्या हम दे सकते हैं। बच्चों की बादशाहत भी हम कह सकते हैं, एक दिन का राजा भी हम कह सकते हैं, बच्चों की हुकूमत भी हम कह सकते हैं, बच्चों को मिले बड़ों के अधिकार ये भी हम कह सकते हैं। तो जो भी आपके मन में कोई नया नाम आ रहा है वो आपको सोचना है और यहाँ पर लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। तो जो बच्चे थे वो सारे बड़ों वाले काम कर रहे थे और बड़े लोग बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? तो कौन बन गया था, आरिफ और सलीम एक दिन का असली बादशाह बन गया था। तो आरिफ और सलीम दोनों मिलकर ये काम कर रहे थे तो दोनों ही एक दिन के क्या बन गए थे, बादशाह बन गए थे। आगे है तरमाल। अभी तरमाल क्या होता है, क्या आप जानते हैं तरमाल के बारे में? कहानी में भी हमने सुना था आपा अपने लिए हमेशा तरमाल रख लेती थी।
रोज की तरह आज वे तर माल अपने लिए न रख सकती थी। कौन? आपा की बात हो रही है। तो कहानी में किन किन चीजों को तर माल कहा गया है? तो कहानी में आपने देखा होगा कि जो अंडे है और जो मक्खन है वो तर माल उसके लिए प्रयोग किया गया है, और आपा हमेशा अपने लिए अलग से निकाल कर रख देती थी। तो तरमाल क्या होता है? जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और साथ में पौष्टिक भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तरमाल कहते हैं। तो कहानी में अंडे और मक्खन को क्या कहा गया है? तरमाल कहा गया है। इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? अब सोचिए, इनके अलावा कोई और भी खाने की चीज़ है जिसको हम तरमाल कह सकते हैं, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट भी हो और साथ में पौष्टिक भी हो? इन चीज़ों के अलावा किन किन को हम तरमाल कह सकते हैं? ऐसा कौन सा खाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है और साथ में पौष्टिक भी होता है? जैसे कि हलवा, जैसे कि खीर, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स आप कह सकते हैं, बादाम कह सकते हैं। मिठाइयों को हम तरमाल कह सकते हैं, कढ़ाई पनीर की सब्जी को हम तरमाल कह सकते हैं, या कोई भी ऐसी खाने की चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और साथ में पौष्टिक भी है, जिसमें बहुत सारा मक्खन होता है। इस तरह की चीज़ें जो होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? तरमाल कह सकते हैं। आपके मन में जो भी बातें आ रही है आप प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती है। तो अभी तक तो हम तरमाल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो खाने की वस्तुएं आपको तरमाल जैसी नहीं लगती हैं उनके नाम भी बताने हैं। जैसे कि सब्जी रोटी खाना हमें अच्छा नहीं लगता है, और दाल खाना हमें अच्छा नहीं लगता है, सादी सब्जी और फीकी सब्जी खाना अच्छा नहीं लगता है, उबला खाना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह के खाने को हम क्या कह सकते हैं कि ये तरमाल नहीं है। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाओ। अभी जो चीज़ें हैं जो तरमाल जैसी नहीं हैं, जो सीधी सादी फीकी फाकी है, इनको हम क्या कहेंगे? बीमारों जैसा खाना। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो बहुत ही हल्का खाना खाते हैं, सीधा सादा खाना खाते हैं, ज़्यादा चिकना नहीं खाते, मक्खन नहीं खाते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बीमारों वाला खाना। या कोई आपके मन में नया नाम है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। मनपसंद कपड़े। अब कपड़े तो आपको बहुत पसंद होंगे, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। घर पे हम साधारण से कपड़े पहन लेते हैं, फीके रंग वाले, हल्के रंग वाले। बिल्कुल इसी तरह तो वे आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। अभी आरिफ और सलीम जब भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, मनपसंद कपड़े पहनते हैं, तो आपा क्या करती है? उनकी कमीज उतरवा देती है और बहुत ही सीधे सादे बेकार से कपड़े पहनने को कहती है। तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ। वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? अब ये प्रश्न तो आप सभी बच्चों के लिए है, आप खुद ही बताएंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही बता सकते हैं कि आपको कोई खास कपड़ा पसंद है, कोई खास ड्रेस पसंद है, तो कौन सी पसंद है, किस रंग की है वो, और वो क्यों अच्छी लगती है। तो ये जो प्रश्न है आप सभी बच्चे करेंगे, खुद से करेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। आपको कोई कमीज पसंद आ सकती है, आपको कोई कोट पसंद आ सकता है, आपको कोई फ्रॉक पसंद आ सकती है, जो भी आपका मनपसंद कपड़ा है उसके बारे में आपने क्या करना है? लिखना है। कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है? अब पहनने की चीज़ों में बहुत ही बेकार क्या लगता है? सीधे सादे कपड़े, हल्के रंग के कपड़े, या जो भी आपके मन में है आप यहाँ पर लिख देंगे। खाने पीने की चीज़ें। अब खाने पीने की चीज़ों में दाल रोटी, बैंगन की सब्जी, हल्की सब्जी, फीकी सब्जी, ये आपको पसंद नहीं आती हैं, या जो आपके मन में है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़्यादा मिर्ची वाला तीखा खाना, ये भी आप लिख सकते हैं। करने के काम। अब कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपको करना पसंद नहीं है? बहुत देर तक पढ़ना आपको पसंद नहीं हो सकता है, या घर के काम जो बार बार मम्मी पापा बोलते हैं, तो बहुत देर तक घर के काम करना पसंद नहीं हो सकता है, या कोई और भी काम जो आपको पसंद नहीं है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और कौन सा ऐसा खेल है जो तुम्हें पसंद नहीं है? अब देखो, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब आपको कौन सा खेल पसंद नहीं है वो तो आप ही बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप खुद से सोच कर लिखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। हल्का भारी। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? अब हमने देखा कि आरिफ और सलीम आपा को टोकते हैं कि इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है।
यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? अब भारी साड़ी का मतलब क्या होता है? जिसका वजन ज़्यादा होता है, तो ये बात भी सही है। साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, ये बात भी सही है। और साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, ये बात भी सही है। इन सभी की वजह से जो साड़ी है वो बहुत भारी दिख रही थी। और भारी साड़ी का और क्या मतलब हो सकता है? जो बहुत महंगी भी आती है और जिसके ऊपर बहुत सारा काम होता है, जिसकी वजह से उसका वजन भी बढ़ जाता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? भारी साड़ी कहेंगे। और आपा भारी साड़ी पहनकर जाती है क्योंकि कॉलेज में क्या है? फंक्शन है। आगे है ख भाग में आपसे पूछा गया है भारी साड़ी। अभी अभी हमने जाना भारी साड़ी क्या होती है। भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। अब भारी अटैची कैसी होती है? जिसमें बहुत सारा सामान होता है और उसमें बहुत सारा सामान होने की वजह से उसका वजन बढ़ जाता है, तो हम कहेंगे कि अटैची क्या है? बहुत भारी है। सूटकेस भी आप इसे कह सकते हैं। भारी काम, अब भारी काम क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है या बहुत देर तक जिसको हम कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? भारी काम कहेंगे। भारी बारिश हम किसे कहेंगे? जब बहुत तेज से लगातार बारिश होती है तो उसको हम कहते हैं बहुत भारी बारिश आ रही है। ऐसे ही हल्की बारिश भी होती है। ऊपर भारी विशेषण का चार अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है कि भारी साड़ी भी हो सकती है, भारी अटैची भी हो सकती है, भारी कोई काम भी हो सकता है, भारी बारिश भी हो सकती है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या अंतर है? तो अभी हमने बताया भारी साड़ी का मतलब है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, बेल बूटों की कढ़ाई है और साथ में वजन भी ज़्यादा है। भारी अटैची का मतलब क्या है? कि उसका वजन बहुत ज़्यादा है, उसमें सामान बहुत ज़्यादा रखा है। भारी काम का मतलब क्या है? बहुत बड़ा काम जिसको हम बहुत मेहनत लगाकर करते हैं। और भारी बारिश का मतलब क्या है? बहुत तेज से जब बारिश आती है, लगातार बारिश आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? भारी बारिश कहते हैं। तो इसी तरीके से आपने इन सभी को लिखना है। भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। अब हल्का अगर हम इन्हीं के साथ लगाएं हल्का, तो हल्की साड़ी, हल्की साड़ी का मतलब है जिसका वजन बहुत कम होता है, जिसके ऊपर ज़्यादा कढ़ाई का काम नहीं होता है। हल्की अटैची का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें बहुत कम सामान है, वजन बहुत कम में। हल्का काम क्या होगा? जो बहुत आसानी से हो जाता है, जिसको कोई भी कर लेता है, जल्दी से हो जाता है। और हल्की बारिश का मतलब क्या हो जाएगा? जो बहुत ही कम बारिश होती है, हल्की हल्की होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर बंद हो जाती है, तो ऐसी बारिश को हम क्या कह सकते हैं? हल्की बारिश कह सकते हैं। तो भारी और हल्का किसी की विशेषता बताने का काम कर रहा है, और विशेषता बताने का काम जो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये हमारे कुल प्रश्न दिए गए थे। आगे हमारे पास यहाँ पर कोई और प्रश्न नहीं दिया गया है। इन सभी अभ्यास के प्रश्नों पर हमने बातचीत की है। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। सभी को सुंदर और साफ लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में आप पूरा कर लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।